थर्ड स्ट्रेटजी है इंटरनलाइज इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स, इसका मतलब है अपनी अंदरूनी सोच का मियार। स्टूडेंट्स, आपने अपनी सोच का स्टैंडर्ड नहीं गिराना, आपने अपनी सोच को बरकरार रखना है, आपने टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम को मैनेज करना सीखना है और इसे इफ़ेक्टिव कामों में इस्तेमाल करना है। तो देखते हैं, वीकली डिवेलप अ हाइटेंड अवेयरनेस ऑफ वन द यूनिवर्सल इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड्स। तो स्टूडेंट्स, कुछ मसले कुछ चीज़ें पर डे के हिसाब से होती हैं और कुछ चीज़ों को हमें वीकली भी मैनेज करना पड़ता है। इन चीज़ों को हाईलाइट करना चाहिए, इन चीज़ों की अवेयरनेस होनी चाहिए कि आपका यूनिवर्सल इंटेलेक्चुअल स्टैंडर्ड क्या है। नेक्स्ट है, सच स्टैंडर्ड्स इनकम्पास क्लैरिटी, प्रिसीजन, एक्यूरेसी, रेलिवेंस, डेप्थ, ब्रेथ, सिग्निफिकेंस ETC। मतलब ये जो स्टैंडर्ड है ये अहाता करता है क्लैरिटी को, प्रिसीजन को, एक्यूरेसी को, रेलिवेंस को, डेप्थ को, ब्रेथ को और सिग्निफिकेंस वगैरह को। नेक्स्ट है फोकस वन वीक ऑन क्लैरिटी, द नेक्स्ट ऑन एक्यूरेसी एंड सो ऑन। इसका मतलब है कि हमें एक वीक जो फोकस करना चाहिए क्लैरिटी पे। इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, कुछ प्रॉब्लम ऐसी होती हैं जो उसको सॉल्व होने में काफ़ी टाइम गुजरता है, तो हमें क्या करना चाहिए, पहले उसकी वजाहत करनी चाहिए, फिर वजाहत करके मतलब उसकी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में पूरी वजाहत करनी चाहिए, उसको क्लियर करना चाहिए और फिर उसकी एक्यूरेसी की तरफ जाना चाहिए। मतलब पहले वीक जो हमें क्लैरिटी की तरफ जाना है, फिर जो नेक्स्ट वीक है एक्यूरेसी की तरफ जाना है और इस तरह आगे सो ऑन। When you focus on clarity, try to notice when you are being unclear in communicating with other. इसका मतलब है when you focus on clarity, जब आप क्लैरिटी पे फोकस करते हैं तो ट्राई करें नोट्स करने की, जब आप किसी भी चीज़ को क्लियरली कम्युनिकेट ना कर सके दूसरों के साथ। मतलब आपने अपनी जो अंदरूनी सोच का मियार है, आपने सोच का जो स्टैंडर्ड है वो लो नहीं होने देना। आपने जब क्लैरिटी पे फोकस करना है, जब आपने उस चीज़ पे भी गौर करना है जब आप किसी दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करने में ज़्यादा क्लियर से कम्युनिकेट नहीं कर सकते, तो आपने उन चीज़ों को नोट करना है कि आप कौन सी रीज़न है, आपका स्टैंडर्ड क्यों लो हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस क्यों लो हो रहा है जब आप दूसरे लोगों के साथ कम्युनिकेट करते हैं या फिर दूसरे लोगों के साथ बात करते हैं। आल्सो नोटिस व्हेन अदर्स आर अनक्लियर इन व्हाट दे से। और हमें ये भी नोट्स करना चाहिए कि जब दूसरे कोई अनक्लियर कोई बात कर रहे हैं, हमें उसको भी नोट करना चाहिए कि ये कहाँ से इसका कॉन्फिडेंस, अगले बंदे का कॉन्फिडेंस कहाँ से लूज़ हो रहा है, या फिर कौन सी बात उसने क्लियर नहीं की। हमने अगले बंदे की सोच पर भी, अगले बंदे की बात पर भी क्या करना चाहिए, गौर करना चाहिए। सिमिलरली इनश्योर यू क्लैरिफिकेशन वाई रीडिंग आर टेक्स्ट एक्सप्रेस यूअर सेल्फ ऑरली आर इन रिटन। और इसका मतलब है कि हमें क्या करना चाहिए, हमें अपनी क्लैरिफिकेशन को यकीनी बनाना चाहिए जब हम टेक्स्ट कोई पढ़ रहे हों, या फिर हम अपने आप की वजाहत कर रहे हों, या फिर अपने आप को बयान कर रहे हों, बेशक वो वजाहत रिटन कर रहे हों या फिर ऑरली कर रहे हों। ऑरल का मतलब होता है कोई ज़बानी आप लोग मतलब कोई वजाहत कर रहे हैं अपने बारे में, या कोई भी, एक होता है रिटन, एक होता है ऑरल, मतलब ज़बानी, मतलब लिखे बगैर आप बोल कर जो वजाहत कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, ओरली कहते हैं। अब यहाँ पे 4 तकनीक्स हैं क्लैरिफिकेशन के लिए कि हम कैसे क्लैरिफिकेशन कर सकते हैं, उसके लिए 4 तकनीक्स देखते हैं। स्टेट व्हाट यू वांट टू सो, स्टेट व्हाट यू वांट टू सो एक्सप्लिसिटली एंड प्रिसाइजली विद केयरफुल चॉइस ऑफ वर्ड्स। इसका मतलब है जो भी चीज़ आप स्टेट करना चाहते हैं उसको बड़ी वजाहत के साथ और प्रिसाइजली उसको उसकी वजाहत करनी चाहिए, और उसके लिए जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही केयरफुली, जो वर्ड की चॉइस होनी चाहिए बहुत ही केयरफुली वर्ड की चॉइस हमें करनी चाहिए। तो सेकंड है एलेबोरेट यू आर मीनिंग इन अदर वर्ड्स। मतलब
हमें एलैबोरेट करना चाहिए, तफसील से बयान करना चाहिए अपने मतलब को सादा वर्ड्स में। मतलब अगर कोई बात हम समझा रहे हैं हमारी वर्डिंग में उसे समझ ना आए तो हमें कोई दूसरे वर्ड्स को इस्तेमाल करना चाहिए जिससे अगले बंदे को समझ आ जाए। नेक्स्ट थर्ड है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट यू मीन फ्राम एक्सपीरियंस यू हैव। इसका मतलब है हमें एग्जाम्पल्स देनी चाहिए, मतलब जो भी आप मतलब बयान कर रहे हैं, जो भी चीज़ की आप वजाहत कर रहे हैं उसकी उससे रिलेटेड एग्जाम्पल देनी चाहिए। और जो भी आप लोगों ने अपनी एग्जाम्पल कहाँ देनी है, आप लोगों की ज़िंदगी का एक्सपीरियंस है, जो जो भी एक्सपीरियंस है उस एक्सपीरियंस से आप लोगों को एग्जाम्पल देनी चाहिए। मतलब हमें अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करते हुए हमें एग्जाम्पल्स देनी चाहिए जो भी हम कोई चीज़ समझा रहे होते हैं उससे रिलेटेड। तो फोर है, यूज़ एनालॉजीज पिक्चर्स आर डायग्राम्स टू इलस्ट्रेट व्हाट यू मीन। इसका मतलब है हम अपन किसी भी चीज़ की वजाहत के लिए हम पिक्चर या डायग्राम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर एनालॉजीज मतलब कोई भी चीज़ हम जब समझा रहे होते हैं तो कोई बात हम जब कर रहे होते हैं तो उस बात को किसी दूसरी बात से रिलेट करके मुशाबत से भी हमें समझाना चाहिए। मतलब कोई चीज़ या फिर हम कोई काम कर रहे हैं या फिर कोई मतलब कोई हम लेक्चर दे रहे हैं स्टूडेंट्स को समझा रहे हैं तो तो लेक्चर से रिलेटेड उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसको बाहर वाली एग्जांपल से मुशाबत करके उसको हमें हमें समझाना चाहिए। ये होती है एनालॉजीज। इन शॉर्ट, यू नीड टू स्टेट एलेबोरेट एग्जाम्पलीफाई एंड इलस्ट्रेट योर पॉइंट्स। उसने कहा है कि मुख्सन आप लोग क्या हो जाइए, यू नीड टू स्टेट, आपको स्टेट होने की ज़रूरत है। स्टेट होने मतलब जिस तरह हम थ्योरम बयान करते हैं उसकी पहले क्या होती है, स्टेटमेंट होती है, फिर उसका कहता है प्रूव होता है। मतलब जो भी बात होती है स्टेटमेंट का मतलब होता है जो भी थ्योरम होता है उस सारे को हम एक शॉर्ट सेंटेंस में लिखते हैं। मतलब हमें क्या कहेंगे, पूरी की पूरी जो बात है, पूरे का पूरा जो प्रॉब्लम है उसको शॉर्ट बयान करना चाहिए, उसको शॉर्ट बयान में उसकी समझ आ जानी चाहिए। एलेबोरेट उस तफसील से बयान करना चाहिए, एग्जाम्पलीफाई मतलब एग्जाम्पल्स देने चाहिए, और जो भी अपने जो पॉइंट्स हैं उसको इलस्ट्रेट करना चाहिए, उसकी वजाहत करनी चाहिए।